खबर एकेएस विश्वविद्यालय सतना खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। और सबसे पहले खबर एकेएस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर पारितोष के बानिक द्वारा टेक्निकल सेशन में मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में दिए गए व्याख्यान पर शिक्षा के उन्मुखीकरण पर उन्होंने एक प्रभावोत्पादक व्याख्यान दिया। व्याख्यान के दौरान उपस्थित जनों ने एकेएस विश्वविद्यालय की विभिन्न संचालित योजनाओं कोर्सेस और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को किस तरह से भविष्य के लिए तैयार किया जाता है जिससे वो रोजगार ओरिएंटेड बन सकें, इसी के साथ साथ भविष्य में इंडस्ट्रीज की क्या मांग है, वो उत्तम नागरिक बन सकें और अन्य चीज़ों पर भी उन्होंने कुछ खास और अहम पहलुओं पर चर्चा की। आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हाल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने एक वाइस चांसलर्स मीट कराया जिसमें सेंट्रल जोन के जितने वाइस चांसलर्स हैं सभी लोग हम इकट्ठे हुए वहाँ पे। उसमें ये डिस्कशन का बेसिक मुद्दा था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ में उनको एक दूसरे से हम आदान प्रदान करें और जो स्किल डेवलपमेंट जो आजकल हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा बच्चों को पढ़ाने का मेन मकसद होता है उसके लिए भी हमने चर्चा किया। और मुझे एक टेक्निकल सेशन में चेयर करने का भी मौका मिला जिस सेशन में हमारा डिस्कशन का बेसिक थीम था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसको कैसे एक दूसरे को आदान प्रदान किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश से हम ही थे और छत्तीसगढ़ से भी यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंट किए थे वाइस चांसलर्स। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ और हम एक एस यूनिवर्सिटी में जो हमारा आईसीटी एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारा जो मेथड्स है टेक्निक्स है ये सब भी हमने बताया और वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में भी बताया गया कि छात्र ट्रेनिंग के लिए गए। इस ट्रेनिंग के बारे में आइए देखें। अबाउट द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन हाउ टू क्रिएट एंड टैकल द कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हाउ टू एस्टिमेट द मटेरियल्स प्रोग्रामिंग हाउ टू create a 3D models of structures with loading systems, tall building structures with PERT method. PERT method it is used for construction planning management. PERT method it is used for time management and cost valuation of materials and other things are shared by students. Vedansi, please share what. This was a very beneficial training for us. All our classmates were very happy and very satisfied with the training. The CPAN and BIM software, which basically consists of the Primavera Oracle, nowadays this software is very much useful in USA and other countries. And I feel very lucky that we learned this software. विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।